जाटों का इतिहास बाकी समाज की तरह ही अत्यंत गौरवपूर्ण और वीरता से भरा रहा है। इस समाज में महाराजा सूरजमल और अमानी जैसे अत्यंत पराक्रमी वीर हुए हैं, जिन्होंने अपने देश और धर्म की रक्षा में जीवन बलिदान कर दिया। परंतु इस महान समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं जाट समाज की उत्पत्ति के बारे में, किस प्रकार यह समाज अस्तित्व में आया। जाट समाज की उत्पत्ति महाभारत के समय हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने राज्य और उसके आसपास के क्षेत्रों में हो रहे अपराधों को कम करने के लिए एक समाज का निर्माण किया था, जिसे जाट समाज कहा जाता था। इस समाज में अधिकतर ऋषि वंशी यादव जुड़े हुए थे। यही जाट समाज ही आगे चल के जाट समाज में परिवर्तित हो गया। संस्कृत में जिसे जाट कहा जाता था, वही आगे चल के देवनागरी लिपि में आते आते जाट बन गया। इसका प्रमाण स्वयं महाभारत में मिलता है। आप स्क्रीन में ये जो देख रहे हैं, यह महाभारत में लिखा हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने जाट समाज की उत्पत्ति की। इस प्रकार जाट समाज से परिवर्तित होते हुए जाट समाज का निर्माण हुआ। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह जाट समाज श्री कृष्ण से नहीं अपितु भगवान शिव की जटाओं से उत्पन्न हुआ है। परंतु यह सभी कहानियाँ 12वीं और 13वीं शताब्दी के बाद लिखी गई थी, क्योंकि इससे पहले किसी भी प्रकार की पुस्तक में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि जाट समाज भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं। एकमात्र महाभारत ही एक ऐसी पुस्तक है जो 5वीं शताब्दी से पहले भी यह बताती है कि किस प्रकार जाट समाज श्री कृष्ण के समय अस्तित्व में था, और इससे बड़ा प्रमाण आज तक इस समाज की उत्पत्ति का कोई नहीं मिल पाया है।